अंडा देती हैं और खा जाती हैं वैसे इतने अंडे। तो दोस्तों, इस टाइम मैं अपनी नेचर बर्ड्स एवरी में आया हुआ हूँ। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे और ठीक ठाक होंगे। तो दोस्तों, आज का व्लॉग स्टार्ट करें, लेकिन आज का व्लॉग स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए, आज आपको अपडेट्स देते हैं और इंशाल्लाह आज अगर अल्लाह ने चाहा तो स्विमिंग पूल भरेंगे और इधर मस्कवी को भी नहलाएंगे। और सबसे पहले बटेरों की अपडेट आपको दे दूँ। ये देख सकते हैं बटेरे जो है ना, इस टाइम यहाँ पर ना बैठे हुए हैं, तो ना अभी थोड़ी देर में ही हम ना इन्हें इधर छोड़ेंगे मिट्टी में नहाने के लिए। ठीक है, वो मैं छोड़ देता हूँ अभी मिट्टी में नहाने के लिए इन्हें। तो मस्कवी जो हैं वो इस टाइम वो बैठी हुई हैं, और पैरट्स को भी मैंने सफाई सफाई की है। ठीक है, और इन्हें यहाँ पर रख दिया ताकि ये मज़े से रहें और अपने मज़े करें। दोस्तों, अभी स्विमिंग पूल भरना मैं ना स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, और आपको बताते हैं। ठीक है, ये जो मुर्गी हैं ना दोस्तों, ये जो इनकी आदत है ना अंडे खाने वाली, ये बढ़ती जा रही है। अपना अंडा देती हैं और खा जाती हैं, वैसे इतने अंडे देती नहीं हैं, थोड़े बहुत देती हैं और वही खा जाती हैं। ठीक है, फ़ायदा नहीं हो रहा दोस्तों। और ना दुलारी, पता नहीं कुड़क तो होगी, मेरे ख्याल है गर्मियों में ही ना दुलारी कुड़क होगी। ठीक है, ये इस टाइम कोने में दुलारी बैठी है। ठीक है, तो मैं अंडा भी उठा लेता हूँ, उन्होंने दिया हुआ है दोस्तों, ये खा जाएंगे अभी बैठे बैठे। ठीक है, ये तो मैं उठा के रख देता हूँ, इंशाल्लाह बच्चे निकल आएंगे इनके बहुत जल्द दोस्तों। मुर्गे को कैसे मस्कवी मारने के लिए आ गया दोस्तों। तो मैं ऐसा करता हूँ, इनका ना स्विमिंग पूल ना भरना स्टार्ट करता हूँ और बटेरों को भी ना उधर छोड़ देता हूँ जहाँ पर उन्हें नहलाना है। दोस्तों, मैंने इस टाइम स्विमिंग पूल भरने के लिए रख दिया। ठीक है, ऐसा पाइप भी फुल जब होगा ना तब मस्कवी को ना खोलेंगे। मस्कवी को मैं कर रहा हूँ बंद, पालक वगैरह ने डाली भी थी ताकि ये मज़े से खाएँ, अभी इन्हें कर देते हैं बंद, क्योंकि ना फिर ना मुर्गियों को खोलना है और ना मुर्गियाँ फिर परेशान होंगे, वो कहेंगे हमें नहीं खोल रहे, फिर वो तमाशा लगा देती है अंदर, आपस में लड़ना स्टार्ट कर देती हैं। ठीक है, तो ये बड़ा मसला बन जाता है यार मस्कवी के लिए ना, मुर्गियों के लिए। तो मुर्गियों को हम खोल देते हैं दोस्तों जल्दी से जाके। ठीक है, ये देखें पागलों की तरह निकलेंगी सारी, ये देखें उधर से चूज़े अब कह रहे हैं हमें नहीं खोला, ये क्या बात होगी। तो चूज़ों का भी खोल देते हैं, ऐसे की बात है चूको। चूज़े दोस्तों इंशाल्लाह करवाने हैं बहुत जल्द, मुझे तो लग रहा है दोस्तों मस्कवी ना इंशाल्लाह कुछ दिन में अंडे दे देंगी, जिस तरह से उनकी हरकतें हुई हैं ना, जिस तरह से वो रिएक्ट कर रही हैं, मुझे लगता है कि वो अंडे दे देंगी। ठीक है, पिजन्स का भी कोई सूरत हाल नहीं है, और क्वेल्स को मैंने इधर छोड़ दिया था, माशाल्लाह से ये कितने अच्छे तरीके से नहा रहे हैं जैसा कि आप देख सकते हैं। दोस्तों, जैसे स्विमिंग पूल भरेगा ना फुल होगा इधर तक, ठीक है इधर इधर तक फुल होगा, ठीक है फिर ही मैं आपको दिखाऊंगा और मस्कवी के छोड़ूंगा। तो दोस्तों, स्विमिंग पूल ना भर चुका है इस टाइम, और मैं कबूतरों को भी खोल दूंगा और मस्कवी को भी खोल दूंगा, दोनों बहुत शौक से नहाएंगे। तो ये देख सकते हैं, सबसे पहले हम ऐसा करते हैं कि पिजन्स को नहीं खोलते, मस्कवी को खोलते हैं जो जिनके लिए असल भरा है दोस्तों हमने। ये बाहर आ जाएं तो ही हम पिजन्स को खोलेंगे। तो मस्कवी को डंडे से बाहर निकाल देते हैं जल्दी से, क्योंकि दोस्तों ये ना केज इनका बंद करना होता है, नहीं तो इधर कबूतर आके चले जाते हैं। तो मस्कवी को देखते हैं ये अब नहाते हैं या नहीं, पिजन्स को भी खोल देते हैं। माशाल्लाह से पिजन्स वगैरह पूरे तैयार हैं, और ये कुनालियों का पानी गिरा दूंगा ताकि ये इधर ही नहाएं। तो देखते हैं दोस्तों अब क्या होता है, नहाते हैं स्विमिंग पूल में या ये नहीं नहाते, पता चल जाएगा थोड़ी देर में हमें। We'll be right back.
सकते हैं कितने प्यारे तरीके से ये दोनों नहाए हैं, और अभी मज़ीद भी नहाएंगे और नहाते रहेंगे, अपनी मस्ती में मस्त रहेंगे और मस्तियाँ करेंगे दोस्तों। और इंशाल्लाह जब इनके बच्चे होंगे ना, फिर तो आप देखना ये सारा दिन इससे हटेंगे ना स्विमिंग पूल से, क्योंकि मुझे पता है। और दोस्तों ये गदला पानी मैंने इसलिए रखा है इनके लिए क्योंकि इसमें ना नमकियात होती हैं जिसकी इन्हें ज़रूरत होती है, ठीक है, डॉग्स को ना ज़रूरत होती है, इसलिए इन्हें गदला पानी आप डाला करें ऐसी मिट्टी वाला, ठीक है। कुछ लोग शीट डाल देते हैं ऐसे पक्का बना देते हैं, वो सही नहीं रहता, तो ये बहुत बेस्ट है इनके लिए जो मैंने बनाया ना, बहुत इस तरह का। अगर कोई बनाना चाह रहे तो इस तरह का ही बनाएं। मैं यही एडवाइस करूँगा कि मस्कवी के लिए ना इस तरह का ही स्विमिंग पूल बनाया जाए। और इस टाइम मस्कवी कहाँ है, ये मस्कवी इस टाइम बहुत ज़्यादा ना खुश हुई हुई हैं और ये नहाती रहेंगी, ठीक है। और बटेरे भी इस टाइम अपनी मस्ती में मस्त हैं माशाल्लाह से, देख सकते हैं मस्कवी की मस्तियाँ आपको दिखाते हैं दोस्तों। मस्कवी इस टाइम आराम से मस्तियाँ कर रही हैं। अभी मैं यहाँ आ गया तो इसलिए स्विमिंग पूल से हट गई हैं, लेकिन जैसे ही मैं यहाँ से चला जाऊँगा ना तो ये फिर नहाने लग जाएंगी। तो दोस्तों इन्हें नहाने देते हैं और इनको इनकी मस्तियाँ करने देते हैं। तो दोस्तों इस टाइम मैं अपनी नेचर बर्ड्स एवरी में आया हुआ हूँ और मस्कवी ने बहुत शौक़ से नहाया, वो काफ़ी देर तक नहाती रही, ठीक है। अब तो पानी भी वहाँ ख़त्म हो गया दोस्तों। इसी तरह अगर आपने डक्स रखी हुई तो उन्हें नहलाएँ, उनको मज़े दें इसी तरह, और गदले पानी में नहलाएं क्योंकि उसमें नमकियात होती हैं तो वो उनकी पूरी हो जाती हैं, न्यूट्रिशन भी पूरी हो जाती है इस नहाने से, और ब्रीडिंग भी जल्दी करती हैं दोस्तों। क्योंकि सारी बतखों को ना ठंड तो लगती नहीं है, बतखों को इतनी थोड़ी बहुत लगती है, मैं ये नहीं कहता कि बिल्कुल नहीं लगती, थोड़ी बहुत ठंड लगती है दोस्तों। इस तरह नहलाया करें। और जिस तरह दोस्तों जिस तरह का हाँ आपने मेरा पिछला ब्लॉग देखा था, उसमें मैंने फसल लगानी है जो अपने गाँव में, उसके लिए नेट बुनना स्टार्ट किया था दोस्तों। अभी नेट इतना बुन लिया, ठीक है। मैंने ये देखें इसका जो मैंने टारगेट रखा है ना, वो एक दिन में ना आधा फुट नेट बुनना है मैंने, ठीक है। इसे दो दिन तक मैं बुनता रहूँ तो ये एक फुट हो गया, ठीक है। आज तीसरा दिन है तो आज इसे नीचे से बुनेंगे और डेढ़ फुट का कर देंगे। तो दोस्तों इसे मैं बुनता हूँ, ठीक है, नेट को माशाल्लाह से बहुत ही प्यारा नेट बन रहा है, तो नेट को मैं बुनता रहता हूँ, तो इसे बुनते हैं और आपको और अपडेट्स साथ साथ देते हैं। सारे परिंदे बंद कर दिए हैं, ठीक है। और अब मैं ना मस्कवी को दाना डाल रहा हूँ, ठीक है। अब ये मस्कवी दाना खाने आ जाएंगी, ये सामने फिर रही हैं, ठीक है, थीके? और आपको अपडेट्स भी देते हैं साथ साथ ही दोस्तों, बहुत सारी हैं, ठीक है। क्वेल्स के लिए देखें, इनका मैंने ब्रीडिंग वो बनाया था बॉक्स, और ये दो मैंने इनके लिए मंगवा लिए थे। ये ना दाने को ज़ाया करते थे, ये सारा ये भर जाती थी ये जगह, ये जो केज है ना ये पूरा भर जाता था दाने से, ठीक है इनका। तो मैंने ये दो चीज़ें मंगवा ली हैं ना, अब ये गीले होते हैं ना, इन्हें बीमारी कुछ होगा, ठंड वगैरह लगेगी ना, ये दाना बिखराएंगे अपना, ठीक है। और जो स्विमिंग पूल भरा था दोस्तों वो भी इस टाइम बिल्कुल सूख चुका है, ठीक है। और मस्कवी दाना खाने के लिए खड़े हैं, ये ना कल की तरह मुझे मारने के लिए आ जाए, तो डिस्टर्ब नहीं करते दोस्तों इन्हें। और पिजन्स यार ये बैठे हैं, ब्रीडिंग पता नहीं करते हैं नहीं करते दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का, और हाँ नेट भी मैं बुनता रहा हूँ दोस्तों काफ़ी देर बैठ के दोस्तों। आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा और मस्कवी भी लड़ने के लिए आ गया, तो दोस्तों जल्दी से एंड करते हैं व्लॉग का। व्लॉग पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना, और वीडियो को लाइक करें, अपने अच्छे अच्छे कमेंट करें और शेयर भी करें दोस्तों। आज के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखें, अपने प्यारों का भी ख्याल रखें, अपने प्यारों को दुआ में याद रखें, हमें भी दुआ में याद रखें दोस्तों। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।